चलिए हम आपको लेके चल रहे हैं भिवंडी शहर निजामपुर महानगर पालिका के ठीक सामने आनंद दिगे चौक पर आज सिग्नल ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था की गई। महापौर प्रतिभा विलास पाटिल ने इसका उद्घाटन किया। लगभग एक साल पहले बंजारपट्टी नाके पर सिग्नल का उद्घाटन किया गया था, जहां पर लोगों को ट्रैफिक समस्या से छुटकारा मिला। और आज भिवंडी शहर निजामपुर महानगर पालिका के ठीक समक्ष आनंद दिगे चौक पर ट्रैफिक समस्या से निपटने के लिए ट्रैफिक सिग्नल का उद्घाटन संपन्न किया गया। उद्घाटन के इस अवसर पर प्रतिभा विलास पाटिल, जो भिवंडी शहर निजामपुर महानगर पालिका की प्रथम नागरिक हैं, महापौर हैं, उन्होंने उद्घाटन करते हुए नागरिकों से अपील की कि सिग्नल का पालन करें। सिग्नल का पालन करते समय ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, ट्रैफिक पुलिस को परेशानी ना हो। परंतु एक सवाल जरूर खड़ा हो जाता है कि अभी भी कल्याणा का, धामन का नाका, अंजुर फाटक क्षेत्र, नारपोली चौक के पास और मंडई आदि इलाके ऐसे हैं जहां पर ट्रैफिक सिग्नल आज भी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ यहां होती है ट्रैफिक को लेकर। खैर, हम आज आपको दिखा रहे हैं आनंदी के चौक पर। पहले शुरुआत बंजारपट्टी नाका से की गई, आज आनंदी के चौक पर ट्रैफिक का उद्घाटन करके, ट्रैफिक सिग्नल का उद्घाटन करके महापौर प्रतिभा विलास पाटिल ने जो राहत पहुंचाई है, उसके लिए शहरियों ने महापौर प्रतिभा विलास पाटिल का धन्यवाद और शुक्रिया अदा किया और कहा कि इसी तरह भिवंडी शहर में सुधार जो होगा धीरे धीरे वो कामयाबी की तरफ बढ़ता रहेगा। और हमें आशा है कि महापौर प्रतिभा विलास पाटिल के कार्यकाल में पूरी तरह सिग्नल और ट्रैफिक समस्या से हम सबको निजात मिल जाएगी। चलिए सुनते हैं प्रतिभा विलास पाटिल जी को। मैडम, जो अब समाधान मिलेगा भिवंडी वासियों को? अभी काम तो हम लोग कर रहे हैं, तो अभी बारिश के समय का अभी होता है, क्या करना है अभी तो हम क्या करें, अभी तो कई कई चीजों को किया है, आप लोगों को अच्छी बात है, तो अभी काम अभी कर रहे हैं, क्या करें। मैडम मराठी जो महानगर पालिका सबसे बड़ा और जो हमारे महानगर पालिका के स्टाफ है, सुनील पाटिल, लक्ष्मण गायकवाड़ साहब, कोमल गांधी, बहुत लाइन पे लाइन अच्छे से आ गया है। जैसे बंजारपट्टी पे हुआ है, जैसे हम इस तरफ जो मीन चौक है, जो यहाँ पे भिवंडी का नाक बोलते हैं, जैसे ये चौक है दिगे चौक, उसके सिग्नल मिला है। इसके बाद भी अभी कल्याण नाके भी हो जाएगा, भादौर में भी हो जाएगा, भिवंडी इज कमिंग इन द लाइन ऑफ एक्शन। जरूर मैं विनती करूंगा लोगों से कि जो रूल्स है, जो सिग्नल है, उसको फॉलो करें। यहाँ तक कि अभी भिवंडी वालों को जरा आदत नहीं थी, लेकिन अपने ही लोग मुंबई पुणे जाते हैं, वहाँ रूल फॉलो करते हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। सिग्नल फॉलो करना मुझे भिवंडी वालों पर पूरा भरोसा है कि वो फुल्ली कोऑपरेट करेंगे। सर, इस तरह से देखा गया है कि जो बंजारपट्टी का सिग्नल लगा हुआ है, तो उससे पब्लिक फॉलो नहीं करती है, और उनका ये आरोप है कि वहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं, इसलिए जो है सिग्नल फॉलो नहीं होता। ट्रैफिक पुलिस की समस्या है, अपन वहाँ टाइम टू टाइम जहाँ पीक आवर होता है, पीक आवर में अपन वहाँ पुलिसिंग देते हैं, लेकिन 24 आवर्स के लिए नहीं होगा। अगर ज़्यादा जैसी जरूरत हो जाती है, हम लोग वार्ड में भी काम करा लेंगे। जैसे ये भी इधर भी आप लोगों को ज़्यादा पुलिस देंगे, किसी भी एक्शन लाने के लिए दिखे चौकों भी लेंगे और कल्याण नाके भी लगती है। हालांकि अपने यहाँ के भिवंडी के रास्ते ऐसे हैं कि जिनकी स्पीड बहुत कम है, कई जगह पे 4 मीटर है तो कई जगह पे 6 मीटर, इसके ज़्यादा पुल नहीं है। 4 स्क्वेयर में भिवंडी पूरी बैठी हुई है, 15 लाख पॉपुलेशन है और एरिया बहुत कम है, और रिक्शा बहुत है यहाँ, कम से कम 16-20 हज़ार का रिक्शा है यहाँ, परमिट भी ज़्यादा इशू किए गए हैं। तो व्हीकल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा भिवंडी में इसी रोड में है,
और ये जो रोड है जो है नदी नाके से लेके अंकुर भाटे तक और रांगोली से लेके कल्याण नाके तक, दिस इज द भिवंडी। इन्हीं रोड पर सबको आना है, सबको जाना है। हर एक आदमी एक दिन एक रोड पे यहाँ आता ही है, हर दिन आता है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी। बावजूद कि यहाँ इंडस्ट्रियल सिटी है, पावर लूम सिटी है, इनके ट्रक्स आते हैं, अगर इनको हम रोक भी दें तो इंडस्ट्री लाप्स हो जाएगी। तो हमको ये सब देख के हुए कुछ एडजस्टमेंट करके हमको इसको सबको करना है। सर, ये जो कल्याण नाके का जो फ्लाई ओवर था, जो फ्लाई ओवर है, तो उसके काम के लेके जो है क्या आप लोगों का कुछ एक्शन है? हाँ, अभी अच्छा हुआ, आपको बहुत अच्छा इंसान है। ये जो कल्याण नाका जो है वो 1100 मीटर का रास्ता है, एक राजीव गांधी ब्रिज एक अप्रोच से लेके बागे फिरदौस के अप्रोच तक जी, तो 1100 मीटर के रास्ते के 100 मीटर का रास्ता काम हुआ है, कम से कम 1000 मीटर का काम बाकी है और उसको टेंडरिंग देने का काम चालू है। तो ये अभी 21 तारीख से या 21 एक तारीख से चालू हो जाएगा। इसमें हमें बागे फिरदौस से लेके जिसको अमरकंड नाका जाना है वो ब्रिज का यूज नहीं कर सकते, और जिसको कल्याण नाका जाना है बागे फिरदौस से ब्रिज के ऊपर आने का उसको मनाही हो जाएगी। जबकि उन लोगों को रिक्वेस्ट है कि वो नीचे से आ जाए, ब्रिज के नीचे से जिसको जाना जा सकते, लेकिन जो लोग साईं बाबा के ऊपर से कनेक्टेड राजीव गांधी ब्रिज पर आ जाएंगे वो सिर्फ दामनगर नाका जा सकते हैं ब्रिज के, लेकिन वही ब्रिज से राजीव गांधी ब्रिज से आगे वो लोग नहीं जा सकते। तो उनको लगता है कि वो ब्रिज से जब आएंगे तो कल्पना होटल जो है जिससे जब दामनगर नाका से उतरते तो वहाँ आपको यू टर्न दिया जाए, वहाँ से आप निकल के बाकी फिरदौस या वाड़ा जा सकते हो। थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी लेकिन 4 महीना है, अगर भिवंडी डेवलप होनी है, लोगों को सहूलियत चाहिए तो इसको हमें खेलना पड़ेगा। तो सर फिलहाल ये काम क्यों बंद है, क्यों रोका गया? हाँ, ये जो काम इसके लिए रोका गया, लेकिन बारिश में इसको नहीं हो सकता है, ये काम सिलेंडरिंग का काम नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे पहले 220 की इसमें TQC है, इसको हमें 300 तक लाना है, तो 80 मीटर का करने के लिए हमको पूरा एस्कॉर्ट इसको स्कैनिंग करके निकलना पड़ेगा। तो जब हम निकालेंगे तो उसके लिए पूरा बारिश नहीं चाहिए, काम नहीं बनेगा। माने साहब का काम देख रहे हैं, दिन ब दिन ग्रोथ हो रहा है, कंट्री ट्रैफिक कंट्रोल हम लोग आजादी के बाद से सिग्नल भिवंडी में पहली बार दिखा, इसके बाद इधर दूसरी बार दिख रहा है, और जिस तरीके से महीने टू महीने में ग्रोथ कर रहे हैं माने साहब, मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने में इंशाल्लाह माने साहब के इनका ट्रैफिक कंट्रोल एकदम अच्छा कर लेंगे। इस तरीके से इनका काम चल रहा है, मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।